देखो मैट हटाया है गौरी के लिए, वो उस पर मच्छर बहुत ज्यादा आ रहे थे। लेके आओ अपना टॉय लेके आओ। बोरा 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 बोरी बोरी बिछाना तो पड़ेगा हमें यहाँ पे कुछ ना। नहीं गौरी की वजह से नहीं, टॉर्च मिली इसको। हाँ पप्पू लेके आओ लेके आओ। नो वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर मैं मशीन लेकर के बैठी हुई हूँ आज, तो मैंने सोचा था कि इस पे आज मैं कुछ काम कर दूँगी मशीन से। और यहाँ पर मैं जो कपड़े वगैरह हैं वो सिल दूँगी, डस्टिंग वाले कपड़े बनाने थे, किचन के कपड़े सिलने थे, तो आज थोड़ा टाइम निकाला, मैंने बोला कि गौरी को आप पकड़ो और मैं करती हूँ। तो करने तो बैठ गई, लेकिन मशीन को मैंने 2 साल से चलाया नहीं है, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं इसको मैंने चलाया नहीं, तो आज मैं चलाने बैठी इसको। उस दिन मैंने बस ऑयल वगैरह डाल के रख दिया था, तो इसका एक नीचे का पार्ट जिसमें हम बॉबिन या जिसमें धागा भरते हैं वो चीज़ लगाते हैं, तो नीचे का वो पार्ट नहीं था, वो मुझे मिल भी नहीं रहा था, तो इसको मेरे को उठा करके ऐसी का ऐसी रखना पड़ा, आज काम नहीं हो पाया। तो भाई मैंने इनको दिया है आज गिफ्ट में डायमंड, देखो। और अभी मैं कुछ करने वाला हूँ इसका, लेकिन क्या करूँगा वो मैं इस पे लाइट लगा के दिखाती हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और इन्होंने धागा बांधा है इस पे, और ये देखो लाइट से कितना चमक रहा है ना, ये देखो। और अब इसका ये कुछ बनाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। मैंने अपनी औकात से बढ़कर देखो आपको दिया है डायमंड गिफ्ट। गौरी देखो उसको खींचने लग रही है, उसमें धागा बांधा हुआ है ना इसलिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर सोयाबीन के मोमोज, जिसके लिए मैंने मैदा ली है। और मैदे में यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, हल्का सा नमक डाला हुआ था, और धीरे धीरे इसको मैं हाथ से घुमाते घुमाते इसको लगा दूँगी, मतलब मैदे को। मैदे का डो बनाना है तो इसको मैं गूंथ लूँगी धीरे धीरे करके, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। तो इस तरीके से हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको करती जाऊँगी, मतलब एक तरीके से गूंथना भी नहीं है, थोड़ा हाथों से इसको मलते जाना है और ये बन जाएगा, धीरे धीरे करते हुए जाना है इसको। तो यहाँ पर ये देखिए लग चुका है, और इसमें हल्का सा मैं तेल डाल दूँगी ताकि ये सूखे ना। और इसको मतलब इस तरीके से लगाने के बाद में या तो आप इस पे हल्का ऑयल लगा करके ढक के रखिए, या फिर इस पे गीला कपड़ा लगा करके रखिए। तो मोमोज हम लोग कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी आज था कि कुछ नया बनाएं, तो नया बनाने के चक्कर में आज मोमोज बना दिए। और यहाँ पर मैदा जो है लग करके तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पर ये देखिए, और अब मैं इसको ढक करके रख दूँगी। और मैं बना रही हूँ सोयाबीन के मोमोज, तो आगे मैंने जो है सोयाबीन ले ली है, और इसको मैं भिगो दूँगी पानी में, गर्म पानी में। भगोने में मैंने पानी करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर ये मेरे मैदा के हाथ ही लगे हुए हैं भगोने पे, गंदा नहीं है। और पानी उबल चुका है, तो इसी में मैं डाल दूंगी सोयाबीन, थोड़ी देर के लिए इसमें भिगो करके रखूंगी, 15 से 20 मिनट मैंने चला दिए हैं इसको। 15 से 20 मिनट में ये पूरे अच्छे से फूल जाएंगे, और यहाँ पर ये देखिए फूल चुके हैं ये। और अब मैं इसको छन्नी से निकाल लूंगी बाहर, बाहर निकालने के बाद में मैं दोबारा भगोनी को धो करके फिर से रख दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर काट करके, आधे आधे टमाटर काट के डालें, और साथ में लाल मिर्ची, ये मैं मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पर पानी अच्छे से उबल चुका है और टमाटर भी उबलने लग गए हैं। दूसरी तरफ मैंने ये ले लिया है सोयाबीन को मिक्सी में पीसने के लिए, और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है, और ये गरम हो चुका है घी, इसमें हींग डालना है मुझे। हींग डालने के बाद में मैंने इसमें डाली है प्याज, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही ली है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने प्याज कैसे खाते हैं। और यहाँ पर प्याज को मैं भून दूँगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। और यहाँ पर प्याज जो है फ्राई हो चुकी है, मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला हुआ है, ये देखो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, और बिल्कुल लाइट मिर्ची।
तो मिर्ची यहाँ पर डल चुकी है, अब इसको मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने सोयाबीन पीस करके रखी थी हल्की मोटी मोटी, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसमें कुछ साबुत भी है, कुछ पिसी हुई है, तो अच्छे से पीसनी होती है। ये मैंने थोड़ी बहुत साबुत डाली है क्योंकि मैं उसको अलग से निकाल के रखूँगी। और तो यहाँ पर ये देखिए, ये बन चुका है मसाला। अब अच्छे से ये जो साबुत वाली भी थी वो भी टूट चुकी है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी मैंने निकाल के अलग रख ली थी जिससे मुझे और काम करना है उससे। और मैं अब जो है उसके लिए बेलने लग जाऊंगी, मोमोज़ बनाने के लिए मैदा को बेलने लग जाऊंगी। तो एक कटोरी में पानी रखा हुआ है, थोड़ा सा घी रखा हुआ है मैंने मोमोज इस पे लगाने के लिए, पिट्ठी पे लगाने के लिए। धीरे धीरे करके मैं बेलती जाऊंगी इसको। तो ये देखिए, पतला पतला इसको करते जाना है। ये और भी पतला हो सकता है, आप और पतला कीजिए। और इसमें जो मैंने वो बनाया है मसाला, वो मैं भर दूंगी इस तरीके से। और चारों तरफ पानी का हाथ लगा लूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है यहाँ पर। और पानी लगाने के बाद में इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। आप चाहें तो इसको मशीन से बना सकते हैं, जो गुंजिया बनाने वाली आती है उससे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फोल्ड हो चुका है, इस तरीके से मोमोज तैयार हो चुका है। अब ये बोले कि मैं भी बनाऊंगा, एक आपने बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा, तो ये भी तैयार हो गया बनाने के लिए। और ये अब बेल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मैं बनाऊँ और ये ना बनाए। तो ये देखो, ये भी मसाला इसके अंदर भर रहे हैं यहाँ पर। ये भी इसी तरीके से फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों बोल रहे थे कि ये मोदक जैसा बन रहा है, जो पहला बनाया था वो मोदक जैसा ही बना था। तो इन्होंने भी बना करके तैयार कर लिया है, तो इसी तरीके से और बना लेंगे हम लोग। तो ये प्लेट में बन करके हो चुके हैं तैयार। तो ध्यान रखना है कि बस खुले नहीं। और पहले हम बना रहे हैं कुकर में, फिर हम बना के दिखाएंगे भगोनी में। तो कुकर में नीचे पानी रखा है और उसके ऊपर प्लेट रखे, कटोरी के ऊपर प्लेट रखे और उबलने रख दिया। और यहाँ पर चटनी के लिए लहसुन और टमाटर और लाल मिर्ची ली है, जो लाल मिर्ची और टमाटर मैंने उबाला था वो। तो चटनी भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, कुकर में एक सीटी आ चुकी है। तो कुकर में यहाँ पर ये देखिए मोमोज बन रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। मैं प्लेट में एक निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए कटोरी में। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर जो मुझे लगे थे वो लगे हैं भगोनी में, बनाना आसान होता है। आप लोग बनाएं तो भगोनी में बनाइए, कुकर में मत बनाइए। मुझे, मैंने दोनों तरीके से बना के दिखाए हैं, लेकिन मुझे भगोनी वाले ज़्यादा ईजी लगते हैं। कुकर में थोड़ा सा डर रहता है, इसको तो हम खोल के देख सकते हैं। कुकर में खोलेंगे हाथ गर्म ना लग जाए इधर उधर, मतलब हाथ पे गरम गरम कुकर ना लग जाए तो दिक्कत होती है। इसमें भी भगोनी में मैंने पानी भरा है, और ऊपर जो छन्नी ये हमारे घर में मिल जाती है, एक्चुअली मेरे पास में इडली मेकर नहीं है तो मुझे इसी से बनाना पड़ रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हो ये। तो ये जो है मोमोज, इन्होंने बनाए हुए हैं अलग अलग तरीके के। तो ये देखिए यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ इनको, और बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं ये। तो आइए आप लोग भी खाइए। गए हैं हम लोग, जा रहे हैं दिए जलाने, गौरी भी जा रही है दिए जलाने, और नीचे जाके अभी हम दिए जलाएंगे। हमने 6 ही दिए लिए हैं क्योंकि 6 ही दिए थे, तो तन्नू ने तैयारी कर लिया फुल टू, दियो में तेल वेल डाल करके बत्ती वगैरह लगा लिया। तो चलो 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 पार्टी, आओ हम पाल चले, चलो चलो नानी। अभी एक्चुअली मोमोज वोमोज खा के टल्ली हो रखे हम, चलो नीचे चलो। आप बोलो ना तभी तो आएगी वो। चलो लाइट बंद कर देते हैं, पंखे बंद कर देते हैं, जीने की लाइट जला दी है जी, वो भी लाइट। चलो एक मिनट सारी लाइट बंद कर देते हैं भाई, एक जीने की जलेगी बस। चलो फोन ले लिया आपने अपना? मैंने नहीं लिया, वहीं रखा था। तो यहाँ पर तनु ने दिए लगाने शुरू कर दिए। तनु बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी दिए लगाने के लिए, 8 बजे से ही शुरू हो गई थी कि दिए जलाने हैं दिए जलाने हैं। तो यहाँ पर पहाड़ दिए जल चुके हैं, और इसको हम चारों तरफ रख देंगे अपनी सीढ़ियों पे मेन गेट पे। और भी मैं दिखाती हूँ आसपास में किस तरीके से जलाए हुए हैं। तो मैं बीच में बोल देती हूँ यार, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा। गौरी के चैनल पर भी जाइएगा, गौरी के चैनल का नाम है गौरी अग्रवाल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आज की वीडियो का भी, जो मुझसे पहले जा चुकी है। और देखिए यहाँ पर दिए तन्नू जला रही है अच्छे से, और धीरे धीरे रखती जाएगी इनको। बहुत अच्छा लग रहा था आज का दिन, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था गली, अच्छी लग रही थी।
और अच्छे से लोग बागों ने किया ये सब, बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इस तरीके से किया। तो और दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ, वहाँ पर कैंडल जला रहे हैं। ये तो तनु ने पौधे में रखा है दिया, एक पौधे से हटा करके, ताकि पौधा जले ना। और हम लोग बाहर ही हैं सारे, और दूसरी तरफ वो लोग कैंडल जला रहे हैं। लाइट बिल्कुल बंद कर दी गई है, चारों तरफ लाइट बंद है, स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी थी, तो बिल्कुल अंधेरा था। और अंधेरा होने के बाद में धीरे धीरे सब ने अपने घरों पर जलाना शुरू कर दिया, घर पर दिए जलाने शुरू कर दिए। तो ये कैंडल बहुत प्यारी लग रही है। तो ये देखो, अब इधर हमारे सामने वाले घर पर भी लग गए थे, दिख नहीं रहे हैं कोई भी, बस दिए और लाइटिंग ही दिख रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली हम लोग एग्जैक्ट 9 बजने से पहले ही हम लोग बाहर चले गए थे, तो इस वजह से जब जले नहीं थे और अब जलने लग गए हैं। अब मैं आपको छत से ले जा कर के दिखाऊंगी कि बाहर किस तरीके से जलाया है लोगों ने। तो छत पे से इस तरीके से दिख रहा था, अच्छा लग रहा था बहुत। अपने घरों के बाहर बालकनी में दिए, कैंडल ये सब जलाए गए थे, इवन टॉर्च लाइट थोड़ी कम थी और दिए अच्छे से जलाए थे। तो दिवाली ही मन गई थी, अब अगर होली हो या दिवाली हो, इस तरीके से लोग एक साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने कैसे जलाए ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ में। देखो भाई हमारी युद्ध की तैयारी, ये डेली इससे युद्ध चलता है हमारा। इतने मच्छर मारते हैं फिर भी आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बाहर की जो हमारी रोड वाली स्ट्रीट लाइट है वो रखी है ख़राब, और उसकी वजह से घर में रोशनी होती है तो मच्छर जो है अंदर आ जाते हैं। और ये मच्छर अभी मैं बाथरूम में मार के आई हूँ। कल आपने कितने मारे थे? कल मैंने कहाँ पे? नीचे छः और मैंने सात, और मैंने नहीं सात नहीं, मैंने दस मारे थे भाई। ठीक है, दस मारे क्या कह रही है? 10। फिर उसके बाद में इन्होंने और मारे थे, क्योंकि अंदर आ जाते हैं हम, मच्छर ही ढूंढते रहते हैं। देखो ये रखना बहुत जरूरी है, मन नहीं करते हैं लोगों को मारने का, लेकिन जब ये मेरी बेटी को मारते हैं ना, मेरी बेटी पे आ बनती है, तो मेरे को ये हथियार उठाना पड़ता है। तो हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक मच्छर मारते हैं, ऑल आउट का भी कोई असर नहीं होता है इन बदतमीजों पर। ट्रेंड हो चुकी है, ये डेवलप कर लिया है इन्होंने। वैसे भी हम लोगों ने तो वो मॉस्किटो नेट भी लगाई हुई है, लेकिन ना वो जिससे लाइट बाहर बंद है तो इस वजह से मच्छर आ जाते हैं। अब ढूंढ ढूंढ के इनको मैं मारूंगी, अगर इन्होंने मेरी बेटी को कुछ भी कहा। नहीं, वो कहते नहीं है कुछ भी, काटते हैं सिर्फ सीधा आके डंक। अब तो कम काट रहे हैं इसको, क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं, और बीच में एक बार काट लिया था मुंह पर, तब से तो बैंड बजाने शुरू कर दिया इनकी। लाइट बंद करो और पंखा बंद करो ना, तो दोनों देखो थोड़े। मैं दिखाती हूँ आपको प्रूफ, इसमें मच्छर दिखाई देगा आपको। ये देखो, ये रहा, ये रहा, बटन छोड़ के तो ऑन करो, बटन छोड़ के, हां ऑन करो। नहीं, वो मर चुका है। ये देखो, ये रहा, दिखाई दिया, ये देखो। कुछ लोग मुझे गलत भी बोलेंगे अभी, लेकिन अरे उसको झाड़ तो दो। अरे बाहर झाड़ूंगी ना, रुको ना, बाहर झाड़ के आता हूँ।